गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा बेबी कविश रॉय पहली बार जा रहा है अपने नानू के घर। तो देखिए किस तरीके से रूम फैला पड़ा है। मेरी पैकिंग सैकिंग चालू है। अभी नाइट है और रात का 10 बज रहा है। कल सुबह 7 बजे निकलना है, इसलिए मैं रात में ही सारा फिनिश कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरे हबी, ये भी प्रेस रेस कर रहे हैं क्योंकि इनको भी लेके जाना है। और देखिए रूम की हालत क्या हो रखी है। ये देखिए कपड़े, इसका कुछ सामान ये पैक हो चुका है। ये देखिए छोटा छोटा जो भी ये डायपर वगैरह, और ये देखिए सब पूरे रूम की हालत बिखरी पड़ी है। ये देखिए किस तरीके से वो रखा है। मैं अपनी पैकिंग भी कर रही हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग शुरू हो गई है और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक ही साड़ी रखी मैंने और एक पहन के जाऊँगी, तो बस दो ही रखी है। और मैं अभी से पूछ रही थी कि ये वाली पहन के जाऊँ क्या, तो बोले ये नहीं अभी देखना। मैं इससे निकाल रही हूँ, तो इसका ब्लाउज़ निकाल रही हूँ, तो यही ग्रे कलर की साड़ी मैं अभी हैंगर से निकाल के पूछ रही हूँ कि ये वाली पहन जाऊँ, तो कह रहे नहीं ये वाली नहीं दूसरी वाली पहन जाओ। तो फिर मैंने इसको रख दिया तहा के, और इसके बाद में फिर मैंने एक ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर की निकाली। वो बोले हाँ ये पहन के चलो, तो बस मैंने वही निकाल ली है। और ये देखिए फिर पूछ रही हूँ ये वाली, कह रहे नहीं ये वाली नहीं। तो बस फिर फाइनल डिसीजन यही हुआ कि ब्लू वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ। तो बस वही सब पैक कर लिया। ये देखिए मेरा बैग भी तैयार है, ट्रॉली बैग, और मेरे बेबी के बहुत सारे बैग हैं छोटे छोटे से, क्योंकि बहुत सारा सामान है। रेड कलर का भी बैग है। और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और हम लोग चल दिए हैं। तो देखिए मम्मी बेबी को लिए हैं और बस हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना है? अच्छा गोदी ले ले। मम्मा जाएंगे, मम्मा फ्रेंड्स। अभी मैं बस जस्ट अपने घर के बाहर ही हूँ, तो सब लोग अभी छोड़ने आए थे और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ पर बस रेडी हो गए हैं चलने के लिए। अब बस मेरे अभी जस्ट गाड़ी में अभी बैठेंगे ड्राइव करने के लिए। तो बस मम्मी के पैर छू रहे थे यहाँ पे और बस चल दिए हैं हम लोग बैठ के। और ये बस मेरा घर है, बाहर की सीन है। तो ये देखिए गाड़ी जा रही है और ये है रास्ते का व्यू। तो देखिए बहुत ही ये हाईवे है कानपुर वाला, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप रास्ते में कितना अच्छा व्यू है। तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे म्यूजिक और आप लोग रास्ते का व्यू एंजॉय करिए। Thank you.
तो झांसी से चलकर हम लोग फाइनली उरई पहुंच चुके हैं। उरई में हम लोग अभी गोविंदम ढाबा आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस ये ढाबा है गोविंदम। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी क्राउड है, कितना भीड़ है यहाँ पे। आपके आप अपना लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ लंच। सुबह जल्दी निकले थे तो नाश्ता वास्ता नहीं किया, यहाँ करते हैं फटाफट लंच और निकलते हैं। इस साइड बैठ। हमें भी लग रही हमें भी लग रही क्या? धूप है ना यार। तो गोविंदम ढाबा में ये भी अपना नाश्ता कर रहे हैं भाई साहब। सबका अलग अलग नाश्ता है लेकिन इनका एक ही नाश्ता है, जो कहीं भी जाओ यही है। चाहे गोविंदम हो चाहे श्रीनाथ, इनकी एक ही चीज है फिक्स। तो ये आ चुका है हमारा स्पेशल पनीर पराठा। गोविंदम का स्पेशल पनीर पराठा है। आप लोग यहाँ आए तो ये ज़रूर टेस्ट करें भाई, बहुत ही टेस्टी पनीर पराठा है। ये पराठे में आपकी फुल डाइट हो सकती है। तो चलिए खाते हैं हम लोग इसको फटाफट। तो अब हम यहाँ से लंच कर चुके हैं और अब निकल रहे हैं घर के लिए, चलते हैं। जा रहे हैं वापस गाड़ी में और चलते हैं अपने जहाँ हम लोग जा रहे हैं। पहले जाएंगे गांव। और ये पापा इसको लिए हुए हैं, ये रो रहा था, पापा ने इसको ले लिया है। तुम्हारी गाड़ी खड़ी है भाई। कौन सी गाड़ी है ढूंढो। ये देखो चलो चल रहे हैं हम लोग। तो पहुंच चुके हैं गांव। तो ये है मेरे पापा जी के पापा का घर। तो यहाँ पे आए हुए हैं और यही है हमारा पुश्तैनी घर हमारे बाबा ससुर जी का। तो ये देखिए छोटी बच्ची कॉपी चेक कर रही है। और ये पहुँच गए मैं गांव में, तो वहीं पे चाय बना रही हैं चाची जी। चाची जी भी मेरे साथ आई हैं क्योंकि वो एनिवर्सरी पे गई थी, तो बोले थे कि रुक जाइए, फिर चाची रुक गई, फिर मेरे साथ ही घर आई। ये देखिए घर के आंगन की तुलसी कितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत प्यारी सी लग रही है। और ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये घर में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये देखिए बिटिया रानी खा रही हैं बिस्किट नमकीन। और यहाँ पे चाची जी की चाय फिनिश हो गई है और हम सभी लोग चाय पी चुके हैं।
और ये चाचा जी बेबी को लिए हैं, फिर जा रहे हैं मंदिर, जो कि छोटी दादी के घर में मंदिर है। यही है हमारे खानदानी देवी, बहुत पुरानी देवी है, तो यहीं पे हम सभी लोगों का सब कुछ होता है। और मैं शादी के बाद यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ। एक बार आई थी जब बधाई पुजाई गई थी, तो मुझे याद नहीं है, बट अभी मुझे याद है कि यहाँ पे मैं आई थी। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बेबी को भी लेटाएंगे, माता जी का आशीर्वाद लेना है। हम दोनों लोग मिल के पूजा कर रहे हैं। मम्मी ने बोला था कि जाना और यहीं पे प्रसाद चढ़ाएंगे, गरी का गोला और बतासे, तो यहाँ पे हमने सब कुछ चढ़ाया है और पूजा करी है, तो बेबी को भी आशीर्वाद दिलवाया है। तो देखिए, जिठानी जो कि मैं इनके यहाँ पहली बार गई थी अंदर, तो कहते हैं जब कोई बेटा होता है या शादी होती है तो उसमें से कोंच डाला जाता है, तो ये मेरी गोद भर रही हैं। ऐसे 5 बार चावल डालते हैं, मुट्ठी से 4 बार चावल डालते हैं और फिर जितना बचता पूरा डाल दिया जाता है। तो ये मेरी गोद भराई कर रही थी, और इधर देखो बच्चे खेल रहे थे। ये मेरी ननंद है छोटी सी, और ये भाभी की बेटी है, तो ये दोनों लोग खेल रहे थे। अब इसके बाद मैं घर आ गई, फिर मेरी चाची सास ने भी मेरे डाले और पूरा डाला, कहती बेबी को लेके डालते हैं, तो मैं बेबी को गोद में लिए थी, फिर इन्होंने डाला है। और फिर इसके बाद में थोड़े से चावल रूम में डाले जाते हैं, जिससे कि अन्नपूर्णा पूरा घर भरा रखे। इसलिए बस यहाँ से सब हो चुका और हम निकल रहे हैं अब अपने मायके के लिए। तो ये देखिए जा रही हूँ, ये है रोड, बस यहाँ से जाके और फिर बैठ। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।